بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اچھا آج ہمارا لیکچر نمبر 20 اس سے پہلے ہم لوگوں نے ابھی تک جو دیکھا ہے وہ probability mass function کیا چیز ہوتا ہے हमने उसको देखा है और हमने मुख्तलिफ जो फैमिलीज ऑफ रेंडम वेरिएबल्स हैं डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल्स हैं उनको देखा है और हमने ये देखा है कि हमको कैसे एक मैथमेटिकल फंक्शन की में लिख सकते हैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स को लेकिन वो सिर्फ डिफर करते हैं किससे अपने कुछ पैरामीटर्स से ठीक आज जो चीज़ हम देखेंगे दैट इज़ अ कम्युलेटिव distribution function ये जिसको हम CDF लिखते हैं ठीक है कम्युलेटिव जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें कम्युलेशन होती है और किस चीज की कम्युलेशन होती है ये हमारी प्रोबेबिलिटी की कम्युलेशन होती है ठीक अनलाइक हम जिस तरीके से PMF को हम रिप्रेजेंट करते हैं PX of X इसका क्या मतलब होता है कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं इसकी किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्स के ऊपर जबकि CDF जो हमारे पास होती है ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है वो हमें क्या बताता है किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू लेस उस इस पॉइंट तक की तमाम प्रोबेबिलिटी ठीक है इस पॉइंट तक की तमाम कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी यूँ कह लें कि तमाम प्रोबेबिलिटीज जो इस पॉइंट तक सम होके हमें मिलती हैं ठीक अब इनकी नोटेशंस अप्रॉक्सीमेटली सेम हैं जबकि PMF में हम इसको P से प्रेजेंट करते हैं CDF में F से अब जो CDF है वो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी मौजूद है और हमारे लिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी यही यूज़ होती है ठीक अब क्योंकि इसमें कम्युलेशन होती है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उन्हें हमें देखने की ज़रूरत है जो कि थ्योरम की फॉर्म में गिवन है थ्योरम 3.2 इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको देख लेते हैं कि फॉर एनी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ठीक विद रेंज s of x is equal to x1, x2, up to so on, satisfying कि x1 is less than or equal to x2 is less than equal to and so on, ठीक कि इनको हम ascending order में हम इनको लिखेंगे ठीक है इसको ascending order में होना बहुत ज़रूरी है for cumulative distribution function, ठीक सो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें वो क्या है कि f x of minus infinity is equal to 0 and f x of plus infinity is equal to 1 so इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट से राइट जाते हुए ठीक है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द x एक्सिस on the fx x-axis fx of x starts at 0 and ends at 1 ठीक है कि मींस ये जो सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझने की जरूरत है वो क्या है कि जो CDF का ग्राफ होगा वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा ठीक है मीन्स ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता ऑब्वियसली 0 से कम नहीं हो सकता क्योंकि जिस तरीके से PMF है इसी तरीके से CDF भी जो है आपका एक पूरा मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करती है आपकी आपके एक्सपेरिमेंट का और जिससे हम किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं दूसरा इसका जो पॉइंट है कि फॉर ऑल
for all x prime is greater than equal to x, fx of x prime is greater than equal to fx of x. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जो कोई भी पॉइंट अगर हम एक x से नेक्स्ट पॉइंट लेंगे जिसको हम सपोज x प्राइम कह देते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, जो CDF फंक्शन आएगा, वो हमेशा या तो उसके बड़ा होगा, अगर सेम पॉइंट है तो उसके बराबर आएगा. ठीक है, और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि द CDF नेवर डिक्रीजेस एज इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक, कि लेफ्ट से राइट जाते हुए ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगा. ठीक है, मींस कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड एंड्स एट वन, सो ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं पर भी ये डिक्रीज नहीं हो रहा. अगर कहीं पर कोई डिक्रीजिंग वैल्यू आती है तो इट मीन्स कि हमने जो है रेंज ऑफ एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिया हुआ. तीसरा जो पॉइंट है, फॉर सम पॉइंट एक्स आई दैट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है, एंड एप्सिलॉन और स्मॉल नंबर, ठीक है, एप्सिलॉन एंड आर्बिट्रेली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंड आर्बिट्रेली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक, fx of xi minus fx of xi minus epsilon. ठीक, तो वहां पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन सी होगी, px of xi की. ठीक, जो PMF में या प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आएगी px of xi है. ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास for a discrete random variable x, there is jump. ठीक है, there is jump, or we call it as discontinuity at each value of xi that belongs to s of x. ठीक है, और इस जो जंप है हमारे पास, इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, the height of the jump at xi is px of xi. मींस वहां पे जंप कितनी होगी, जितनी उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास PMF में उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है. ठीक, अच्छा, इसका जो लास्ट पॉइंट है D, वो क्या कहते हैं जी, कि fx of x is equal to fx of xi for all x such that x is less than equal to xi plus 1. ठीक, से इसका क्या मतलब है कि जो जंप्स आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, मींस बिटवीन जंप्स द ग्राफ ऑफ द CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, सो ये इसके चार इस थ्योरम में बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है. ठीक, इसके अलावा एक और थ्योरम है, फिर हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे ताकि हमें मजीद आसानी हो जाए. ठीक, थ्योरम 3.3 है ये. ठीक है, वो क्या कहते हैं जी, फॉर ऑल बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एफ एक्स ऑफ b minus fx of a is simply probability
x is between a and b. ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास ये स्ट्रिक्ट है मीन्स स्ट्रिक्टली लेस देन है, या लूज है मीन्स स्ट्रिक्टली लेस देन आर इक्वल टू का है. सो ये मैटर करता है हमारा काफ़ी ज़्यादा जिसका हम सी डी एफ बना रहे होते हैं. ठीक, सो अब इसको एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी. ठीक, सो फिर हम इसको मजीद समझते हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं थ्योरम्स 3.2 एंड 3.3 वो हमें कैसे समझ आएंगे. ठीक है, सो हमारे पास इसके अंदर रेंडम वेरिएबल है जिसकी हमें पी एम एफ गिवन है. ठीक है, 1/4 फॉर x इक्वल टू 0 एंड 1/2 एट x इक्वल टू 1, अगेन 1/4 एट x इक्वल टू 2, 0 अदरवाइज. ठीक है, अगेन याद रखें कि अगर आप पी एम एफ लिख रहे हैं और ये लास्ट वाली स्टेटमेंट नहीं लिखते तो ये पी एम एफ आपकी कंप्लीट नहीं होती बल्कि ये अधूरी रह जाती है और इस वजह से इसमें इश्यूज आ सकते हैं. सो हमें इसको कंप्लीट बनाना चाहिए. ठीक, अब इसकी अगर हम प्लॉट बना लें. ठीक, सो हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाएगा. से दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/4. ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस एक्सिस पे पी एक्स ऑफ एक्स और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे पास है एक्स. ठीक, सो सपोज ये हमारे पास -1, 0, 1, 2, 3. ठीक, सो जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, 1/4. ठीक, वन पे इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 और टू पे इसकी वैल्यू क्या है, 1/4. अब डिमांड क्या है हमसे कि हम इसकी सी डी एफ बनाएं. ठीक है, सी डी एफ हम रेंडम वेरिएबल की हम बनाएं. ठीक, सो हमने स्केच करनी है, स्केचिंग सी डी एफ ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स. ठीक, अच्छा अब स्केच करने से पहले इस फंक्शन को हमें लिखना चाहिए पड़ेगा कि हम इसको कैसे लिखेंगे. ठीक, तो इसको लिखने के लिए वही जो हमने थ्योरम्स देखे हैं 3.2 और वो, सो हम पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स. ठीक, अब पहला पॉइंट क्या था कि ये जीरो से स्टार्ट होती है. ठीक है, अब देखें हमने जो सी डी पी एम एफ लिखी है, पी एम एफ में हमने क्या कहा है कि ये जीरो है अदरवाइज, और अदरवाइज का मतलब है कि लेस देन जीरो से भी जीरो है और टू से आगे भी जीरो है. ठीक है, अब क्योंकि हमने लेफ्ट से स्टार्ट करनी है. ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है तो लेफ्ट साइड से जब स्टार्ट करते हैं तो ये कहाँ तक जीरो है, जब तक कि पहला ये प्रोबेबिलिटी का पॉइंट नहीं आ जाता. ठीक है, सो हम लिखेंगे ये जीरो फॉर एक्स इज लेस देन जीरो. अब ये यहाँ पे याद रखें कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, जितनी भी है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है और इससे पहले जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, जीरो है. ठीक, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जीरो के ऊपर वो कितनी है, 1/4. ठीक, जीरो के ऊपर आके क्या हो गई, 1/4. अब ये कहाँ तक 1/4 ही रहेगी, आगे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, सब 1 से पहले. ठीक है, 1 से पहले तक ये 1/4 रहेगी और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एग्जैक्टली जीरो से. ठीक है, मींस के ये कहाँ से x जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है और कहाँ तक रहेगी, जब तक के नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं कोई आ जाती, कोई नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पे वैल्यू नहीं आ जाती, 1. सो लेस देन 1 क्योंकि 1 के ऊपर एग्जैक्टली अगर देखें तो हमारे पास एक और प्रोबेबिलिटी वैल्यू आती है 1/2. ठीक, अब जब हम 1 तक पहुँच गए, ठीक, तो 1 पे पहुँच के अब क्योंकि कमुलेटिव है ना, ठीक है, कमुलेट होगी. कमुलेट से क्या मुराद है कि जो पहले थी प्रोबेबिलिटी वो और जो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी वो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ तक प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4. ठीक, और इससे आगे फिर प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ तक 1/2. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, 1/2 प्लस 1/4, सो दैट विल बी सिंपली 3/4. अब 3/4 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से. ठीक है, क्योंकि 1 से पीछे तक तो 1/4 थी ना, तो 1 के ऊपर एग्जैक्टली 1/2 ऐड होगी इसमें.
तो ये कितनी आ गई 3/4, और कहाँ तक ये चलेगी, लेस देन 2 तक, ठीक है, लेस देन 2 तक, ठीक, लेस देन 2 तक हमारे पास, क्योंकि 2 के ऊपर नई एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारे पास आ गई है इस PMF के अंदर, और वो क्या है 1/4, ठीक। सो अब दोबारा इसको हम कमुलेट करेंगे, ठीक है, दोबारा इसको कमुलेट करेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया 1 तक कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 3/4, क्योंकि यहाँ पे 1/4 थी, 1 पे 1/2 है, दोनों को जमा कर लिया, कमुलेट कर लिया, 3/4 आ गया। अब 3/4 से आगे लेस देन 2 तक तो हमारे पास 3/4 ही रहेगी, लेकिन जो ही हम 2 पे पहुंचेंगे तो हमारे पास एक और प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4, ठीक है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगी 3/4 + 1/4, ठीक है, 3/4 + 1/4, ठीक। सो हमारे पास 3/4 + 1/4 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 जो है इसके आगे तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, ठीक है, इसके आगे तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती इस PMF के अंदर, ठीक है, और हमने जो इसकी प्रॉपर्टीज देखी हैं जो थ्योरम 3.2 के अंदर है, वो क्या है कि ये स्टार्ट फ्रॉम 0 है और एंड होती है 1 पे, मींस के 1 आ गया तो इसके बाद ये हमेशा 1 रहेगी प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, और ये लेस देन 0 मींस माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रहा है, 1 मींस कि अब ये यहाँ से आगे कहाँ से आगे, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से आगे ये हमारे पास क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। सो ये याद रखिएगा कि ये अगर हम ये दो पॉइंट्स मिस कर देते हैं, ठीक है, ये वाले दो पॉइंट्स, तो जिस तरीके से हमारे पास PMF है, PMF के अंदर हमारे पास ये 0 अदरवाइज है, अगर हम इसको स्किप कर दें तो हमारी PMF कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम CDF के अंदर, ठीक है, CDF के अंदर ये दो पॉइंट्स स्किप कर दें तो हमारे पास CDF कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले पॉइंट में बोल दिया, ठीक, और पहले पॉइंट पे हमने बोल दिया कि हमारे पास ये 0 से स्टार्ट होगी और 1 पे ख़त्म होगी। अब दरमियान में जो हमने पॉइंट्स देखे कि हमारे पास ये जंप आते हैं, ठीक है, कि 0 से 1 तक, ठीक है, एट 0 हमारे पास जंप आ गया, ठीक है, कितने का जंप आया 1/4 का, ठीक है, और 1 से लेस तक वो रहेगा, फिर हमारे पास 1 के ऊपर एक और जंप आ गया क्योंकि प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसको जंप्स को प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है, अब इस CDF को, ये जो हमने CDF बनाई है, इस CDF को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग अगेन इजी है इसकी, fx(x), यहाँ पे हमारे पास क्या है x, ठीक। अब हम इसको सपोज यहाँ पे -1, 1, 2, 3, ठीक, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/4, 1/2, 3/4, 1, ठीक। अब ये क्या है कि अगर हम इसको यहाँ से प्लॉट करते हुए हैं तो यहाँ पे 1 से पहले तक ये हमारे पास 0 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये मैंने 0 नहीं डाला, ये मैंने क्या डाला है, एक सर्कल लगाया है, ठीक है, और एम्प्टी रखा है, एम्प्टी ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे ये जो लाइन आ रही है इस पॉइंट के ऊपर यहाँ तक, इस पॉइंट से पहले पहले इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू है वो रहेगी, और यहाँ पे क्या वैल्यू इसकी 0, सो ये 0 वैल्यू। 1 के ऊपर आके हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, और इसको मैंने अब ये क्या कर दिया, सॉलिड सर्कल बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गई, जंप आ गई, ठीक है। अब 2 के ऊपर दोबारा प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, अब ये कितनी है 3/4, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 0 से 1 तक क्या आ गया था, 1 से लेके 2 तक हमारे पास क्या आएगा 3/4, ठीक है, क्या आएगा 3/4, यहाँ पे अब ये हमारे पास एक और जंप आ गया, अब ये जंप कितने 1/2 का, ये जंप कितना था 1/4 का, ठीक है, जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, ठीक, जो हमने पॉइंट नंबर सी देखा था थ्योरम 3.2 में, ठीक है, कि वहां पे हमारे पास जंप आएगा, और जंप की वैल्यू कितनी होगी, जितनी उस पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब 3 तक जाएंगे हम, ठीक है, तो 3 तक हम जाएंगे, 3 के ऊपर हमारे पास अगेन ये एम्प्टी है, ठीक, क्योंकि 3 से आगे फिर इसके अंदर 1/4 प्रोबेबिलिटी का जंप आएगा, ठीक, तो ये हमारे पास जंप है, यहाँ पे भी ये जंप कितना है 1/4 का, ठीक। और अब ये
सॉरी ये सॉलिड लाइन होगी, ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगी वन के ऊपर ही, ठीक। सो ये हमारे पास CDF है। ये बुक से थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाया है, ठीक है, बुक से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बनाया है, ठीक, कि हमें ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको प्लॉट कर सके और जर्म्स को हम प्रॉपरली डॉटेड लाइंस में शो कर सकें, ठीक है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से CDF को प्लॉट करेंगे ताकि हम CDF को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें अगर हम इसको हाथ से बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कंप्यूटर से प्लॉट करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे बुक में प्लॉट किया हुआ है वैसे ही आपको ये भी नजर आएगा, ठीक। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने कॉपी किया है और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसमें हमें, अच्छा, ये CDF फंक्शन हमें गिवन है और जैसे कि मैंने आपको बुक में बताया था कि बुक में ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। हम इसको थोड़ा सा अपनी तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको रीड आउट कर लेंगे हम कि ये वन से नीचे हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, वन से नीचे ज़ीरो है और यहाँ पर हमारे पास ये एम्प्टी सर्कल होगा और यहाँ पर हमारे पास ये सॉलिड सर्कल और ये सॉलिड लाइन और ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए, ठीक। इसी तरीके से ये एम्प्टी, ये और ये सॉलिड लाइन, एम्प्टी, ये फिल्ड सर्कल और ये वन पे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये दरमियान में हमारे पास जंप्स आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास जंप्स आ रही हैं, ठीक है। पहली जंप कितनी है, 0.6 की है, ठीक है, यहाँ पे जंप कितनी है, 0.2 और फिर 0.2 की, ठीक। हम पहले इसका CDF भी लिख लेते ताकि हमें मजीद समझ आ जाए थोड़ा सा CDF कैसे हमारे पास है, FY हमारे पास, ठीक है। सो इट इज़ ज़ीरो, पहला स्टेप क्या होगा, ज़ीरो फॉर वाई इज़ लेस देन वन, ठीक है, लेस देन वन के लिए ज़ीरो। फिर वन के ऊपर क्या है, 0.6 और कहाँ तक, फिर ये 0.6 है, 2, लेस देन 2 तक, ठीक है। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 2, ठीक। फिर इसमें 0.2 ऐड हो जाएगा तो क्या बन गया, 0.8, ठीक है। सो ये 0.8 हो गया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, और लेस देन 4, ठीक। और फिर इसमें 0.2 का ऐड कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है, और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। सो ये वही स्टेप जीरो से स्टार्ट होगा, वन तक आ जाएगा, जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ मेरे पास जंप्स आ जाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करते हैं कि हम इन मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करें यूजिंग दिस CDF। अब PMF नहीं, हम CDF से फाइंड करेंगे, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन 1, ठीक है। y इज लेस देन 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज लेस देन 1, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, 1 पे नहीं है, तो इट मींस क्या है कि हमसे चाहता है कि हम बताएं कि fy ऑफ, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, मींस 1 से थोड़ा सा पीछे, 1 से थोड़ा सा पीछे, तो 1 से थोड़ा सा पीछे क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, ये 0, ठीक, गुड, हमारे पास ये क्या है, 0 है। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको हमारे पास b क्या है जी, y इज लेस देन इक्वल टू 1, सही। सो इसका क्या मतलब है कि fx ऑफ 1, ठीक है, fx ऑफ 1 एग्जैक्टली 1 के ऊपर, तो एग्जैक्टली 1 के ऊपर क्या है, ये एग्जैक्टली 1 के ऊपर क्या है, 0.6, एग्जैक्टली 0.6। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2, ठीक है, सही, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नेक्स्ट है, ठीक है, ये याद रखिए, ये क्या है, ग्रेटर देन 2, ठीक। सो c हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन 2। सो ग्रेटर देन 2 से क्या मुराद होगी हमारे पास, कि अब 2 से लेके, मतलब 2 से लेके आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, 2 से लेके आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। सो 2 से लेके इन्फिनिटी तक से बुरा दी है कि हम इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। सो y इज लेस देन इक्वल टू 2 मींस fy ऑफ लेस देन इक्वल, बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक fy ऑफ 2 पे आ जाएगा ये, ठीक है। सो fy ऑफ 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है, ठीक है, fy ऑफ 2 हमारे पास क्या है, 2 के ऊपर कितनी है, 0.8, ठीक है, नजर आ रही, ये 2 के ऊपर 0.8 है,
ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक। सो 1 माइनस 0.8 विच इज 0.2, ठीक। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास जो डी पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। सो डी पार्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसी तरीके से होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ f ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन 2, सो विच इज 1 माइनस एफ वाई ऑफ 2 माइनस, ठीक। सो 2 माइनस क्या है, 2 से थोड़ा पहले, ठीक है, 2 से थोड़ा पहले। सो 2 से थोड़ा पहले क्या है, ये है ना, 2 के ऊपर 0.8 है, 2 से थोड़ा पहले तो क्या है 0.6 है, 2 से थोड़ा पहले क्या है 0.6 है, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.6 विच इज 0.4, ठीक। अच्छा, अब ई पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, कि एग्जैक्टली y इक्वल्स टू 1 के ऊपर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक। सो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको अगर हम देखें CDF की फॉर्म में, तो y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन 1, ठीक है, कि एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के ऊपर और थोड़ा सा उससे पहले, उन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा। सो इट मींस दैट एफ वाई ऑफ 1 प्लस माइनस एफ वाई ऑफ 1 माइनस, सही है। सो 1 प्लस और माइनस, 1 से प्लस थोड़ा सा आगे और 1 से थोड़ा सा पीछे, क्या डिफरेंस है। सो 1 से थोड़ा सा आगे, 1 से थोड़ा सा आगे कितनी है 0.6, और 1 से थोड़ा सा पीछे कितनी है 0, ठीक। सो ये क्या आ जाएगी, 0.6 माइनस 0 विच इज 0.6। इसी तरीके से जो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 के ऊपर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3, सो इसके लिए भी हम इस तरीके से लिख लें, y इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन 3, ठीक। अब इसका क्या मतलब है कि एफ वाई ऑफ 3 प्लस माइनस एफ वाई ऑफ 3 प्लस और ये 3 माइनस, अब 3 से थोड़ा सा आगे, ये ना 3, ठीक है, 3 से थोड़ा सा आगे कितनी है 0.8, ऐसे ही है ना, इस पॉइंट पे देखिए ना, ये इस पॉइंट थोड़ा सा आगे कितनी है यहां पर 0.8, और थोड़ा सा पीछे भी कितनी है 0.8, ठीक है। मीन्स कि हम इसी पॉइंट के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर रह के हम देख रहे हैं, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास 0.8 माइनस 0.8, सो ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 आ जाएगी, क्लियर होगी बात जी। सो हम ये देख सकते हैं कि हम किसी भी CDF गिवन फंक्शन है, हम उससे बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं जी, हम उसका प्रोबेबिलिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, किसी भी प्रोबेबिलिटी के जो है, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास CDF गिवन हो, तो हमें अगर इससे PMF लिखनी हो, क्योंकि PMF से तो हमने CDF लिखना सीखा है, देखा है हमने कि कैसे हमारे पास PMF गिवन है तो हम उससे CDF लिखेंगे। अगर हमारे पास इसी तरीके से ये CDF गिवन हो, ठीक है, तो हम उससे PMF कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो मेरे पास है CDF, ठीक है, ठीक, ये हमारे पास CDF गिवन है, सपोज हम इसकी अब PMF लिखना चाहते हैं, ठीक है। सो PMF क्या होगी, पी वाई ऑफ y, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये इसमें चेक करना है कि किस किस पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक तो y इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 के ऊपर कितनी है 0.6, फिर y इज इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 के ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, जो जंप आएगा, ठीक है, जंप कितना है यहां से, ठीक है, 0.6 से 0.8 तक जंप कितने हैं 0.2 का, ठीक। फिर हमारे पास y इज इक्वल टू 4 के ऊपर, ठीक है,
y इज इक्वल टू 4 के ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक। और इसमें भी जंप कितने, 0.8 से 1 तक आते हुए, ठीक है, 0.2 का, ठीक, कितना जंप है, 0.2। और फिर ऑब्वियसली जो इसके अलावा है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्या है, 0 अदरवाइज, ठीक है, 0 अदरवाइज। इसी वजह से जब हमने प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू 3 फाइंड की थी तो हम देख सकते हैं कि y 3 के ऊपर तो कोई प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। और ये सेम चीज़ हमें CDF भी बता रही है, ठीक है, ये चीज़ हमें CDF भी बता रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये CDF से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से CDF बनाना, या CDF डिस्क्रीट में बात करें कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए CDF से PMF बनाना आपको आ गया होगा। और मज़ीद अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।